अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। नाउ वी स्टार्ट विद दुआ। रब्बी जिदनी इल्मा, ए हमारे रब हमारे इल्म में इजाफा फरमा और हमें नफा बख्श इल्म अता कर। ओके, स्टार्ट आवर लेक्चर, यूनिट नंबर 4, मैप रीडिंग। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट लॉन्गिट्यूड इन डिटेल। लॉन्गिट्यूड तूल बल्द। द लाइन्स विच आर ड्रॉन फ्राम नॉर्थ टू साउथ आर नोन एज लॉन्गिट्यूड्स, यानी वो लाइन जो कि नॉर्थ से साउथ की तरफ ड्रॉन होती हैं उनको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है, ये इमेजनरी लाइंस होती हैं जो कि नॉर्थ से साउथ की तरफ जो है वो ड्रॉन की जाती हैं। दे आर नॉट पैरेलल, ये मतवाजी नहीं होती। दे मीट एट बोथ नॉर्थ एंड साउथ पोल्स, ये नॉर्थ और साउथ पोल्स पे क्या करती हैं कि मिलती हैं। ठीक है, लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स आर एक्सप्रेस्ड, इनको हम किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं, इन डिग्रीज में, मिनट्स में एंड सेकेंड्स में। ठीक है, दे आर आल्सो कॉल्ड मेरिडियंस, इनको हम मेरिडियंस भी कहते हैं। द सेंट्रल लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड इज़ ऑफ द जीरो डिग्री, रेफर्ड एज टू प्राइम मेरिडियन, ये जो सेंट्रल लाइन है इसको हम जीरो डिग्री कहते हैं, इसको प्राइम मेरिडियन भी कहा जाता है। और ये ग्रीनविच जो कि लंदन में वाक़ है उसको जो है एज अ प्राइम मेरिडियन लिया जाता है, जबकि प्राइम मेरिडियन में जो कंट्रीज वाक़ हैं दैट आर फ्रांस, स्पेन एंड इंग्लैंड। उसके बाद आगे चलते हैं, देयर द 180 डिग्रीज ऑफ लॉन्गिट्यूड टू द ईस्ट ऑफ प्राइम मेरिडियन। ठीक है, प्राइम मेरिडियन के ईस्ट साइड पे भी 180 डिग्रीज होता है, वेस्ट पे भी 180 डिग्री होता है। ठीक है, एंड द टोटल ऑफ दीज लॉन्गिट्यूड्स लाइंस इज 360 डिग्रीज, और टोटल इनका 360 डिग्रीज होता है। द जीरो डिग्री मेरिडियन पास थ्रू द ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी एट लंदन, और जो जीरो डिग्री होता है जो कि पास से ग्रीनविच से गुजरा होता है इसको हम एज अ स्टैंडर्ड टाइम लेते हैं जो कि ग्रीनविच है। The distance between two lines of longitudes at equator is approximately 69 miles. यानी equator क्या है, वो imaginary line जो हमारी अर्थ को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करती है, और equator पे distance क्या होता है, 69 miles होता है। इट डिक्रीज टूअर्ड्स द पोल, और जैसे जैसे पोल्स की तरफ जाएंगे ये कम होता जाएगा, एंड बिकम जीरो एट द नॉर्थ एज वेल एज साउथ पोल, और नॉर्थ और साउथ पोल पे जाके क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। अच्छा, लॉन्गिट्यूड्स की मदद से जो है ना डियर स्टूडेंट्स हम टाइम को भी फाइंड करते हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड टाइम को। अच्छा, ये प्राइम मेरिडियन होगी हमारी। अब प्राइम मेरिडियन के जो इस साइड पे ये जो है एरिया होगा, ये हमारा जो होगा वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर को शो करेगा, और ये वाला जो एरिया होगा ये हमारे वेस्टर्न हेमिस्फीयर को शो करेगा। अब किस तरह से जो है हम लॉन्गिट्यूड्स की मदद से जो है स्टैंडर्ड टाइम फाइंड कर सकते हैं, सबसे पहले ग्रीनविच जिसको एज अ स्टैंडर्ड टाइम लिया जाता है, ग्रीनविच मीन टाइम, ठीक है, जिसको GMT कहा जाता है, और पूरी दुनिया में स्टैंडर्ड टाइम इधर से लिया जाता है, ठीक है, और इसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम भी कहा जाता है। यहाँ पे जो कंट्रीज़ होंगे वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में होंगे, यहाँ पे जो कंट्रीज़ होंगे वो वेस्टर्न हेमिस्फीयर में होंगे। हमें इसके लिए सिर्फ लॉन्गिट्यूड्स की ज़रूरत है, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग 5 जो जोन्स दिखाए गए हैं, ठीक है, ये लॉन्गिट्यूड्स को 1, 2, 3, 4, 5, और पाकिस्तान यहाँ पर आ रहा है। ये देखें, ये है हमारा पाकिस्तान, ठीक है, और ये 5 जोन में आ रहा है, ठीक है। अब जैसे ग्रीनविच पे 12 o'clock हुए हैं, और पाकिस्तान ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है और 5 आ रहा है, तो जो कंट्रीज़ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में होते हैं, ठीक है, जो कंट्रीज़ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में होंगे तो वहाँ उनमें जो है उस टाइम जोन को जो है हम ऐड करते हैं, और जो वेस्टर्न हेमिस्फीयर में होते हैं उनको हम उनमें से माइनस करते हैं, ठीक है। अब जो जैसे पाकिस्तान 5 में आ रहा है, तो जब 12 o'clock में हम 5 ऐड करेंगे तो 17, यानी पाकिस्तान में उस वक्त 5 o'clock होंगे। इसी तरह जो कंट्रीज़ वेस्टर्न हेमिस्फीयर में आएंगे, अगर वहाँ पे जो भी टाइम जोन या जो भी होगा उसको जो है 12 o'clock में से माइनस करेंगे तो वो उस टाइम के शो करेंगे। तो इस तरह से जो है स्टैंडर्ड टाइम को लिया जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे लैटिट्यूड्स की। लैटिट्यूड्स क्या होते हैं? द लाइन्स विच आर ड्रॉन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट ऑन द ग्लोब आर नोन एज लैटिट्यूड, जो ईस्ट से वेस्ट होती है उनको हम लैटिट्यूड्स कहते हैं। दे आर ऑलवेज पैरेलल टू वन एंड अदर एंड नेवर क्रॉस वन एंड अदर, ठीक है, ये हमेशा मतवाजी होती है लेकिन एक दूसरे को कट नहीं करती। द इक्वेटर हैज़ अ जीरो डिग्री लैटिट्यूड इज नोन एज ग्रेट सर्कल, जो इक्वेटर होता है ये जीरो डिग्री होता है, ठीक है, इसको हम ग्रेट सर्कल भी कहते हैं, और ये इमेजनरी लाइन होती है जो अर्थ को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करती है। और इक्वेटर पे जो कंट्रीज वाकई हैं या सिचुएटेड हैं उनमें कॉन्गो है, मालदीव्स है, इंडोनेशिया है, ठीक है। उसके बाद है, इट बाइसेक्स द ग्लोब इंटू टू इक्वल हाफ्स, यानी ये हमारे ग्लोब को दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर देती है। देर आर 90 डिग्रीज ऑफ लैटिट्यूड टू द नॉर्थ ऑफ इक्वेटर, यानी जो 90 डिग्री नॉर्थ ऑफ इक्वेटर होगा दैट इज़ नॉर्थ पोल, ठीक है, और जो 90 डिग्री ऑफ लैटिट्यूड टू द साउथ पोल ऑफ इक्वेटर होगा उसको हम बोलेंगे साउथ पोल, ठीक है। द लाइन ऑफ लैटिट्यूड 23.5 डिग्री टू द नॉर्थ ऑफ इक्वेटर इज कॉल्ड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी जो 23.5 डिग्री होगी हाफ होगी नॉर्थ की तरफ उसको हम बोलेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यहाँ नॉर्थ ऊपर की तरफ, ठीक है।
और जब हम बात करेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की, तो वो 23.5 डिग्री साउथ की तरफ होगी। अच्छा, यहाँ से आपको बेटा क्लियर समझ आएगी, ठीक है। हमारी ये अर्थ है, यहाँ पे जो सेंटर लाइन है दैट इज़ इक्वेटर, जो कि अर्थ को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रही है, ठीक है, इमेजिनरी लाइन। उसके बाद क्या है कि अगर हम यहाँ से 90 डिग्री जाएँ नॉर्थ की तरफ तो दैट इज़ नॉर्थ पोल, और अगर इसी तरह हम इक्वेटर से 90 डिग्री साउथ की तरफ तो जाएँ तो दैट इज़ साउथ पोल। उसके बाद क्या है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात करते हैं, इट इज़ द लाइन ड्रॉन ईस्ट टू वेस्ट एट 23.5 डिग्री नॉर्थ, या 23 1/2 डिग्री नॉर्थ होती है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे हम आर्कटिक सर्कल की, जो कि इट इज़ लाइन दैट इज़ ड्रॉन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट 66.5 डिग्री नॉर्थ, यानी 66.5 डिग्री नॉर्थ होती है, ठीक है। उसी तरह है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, जो कि 23.5 डिग्री साउथ होती है ईस्ट टू वेस्ट। उसके बाद एंटार्कटिक सर्कल जो होता है 66.5 डिग्री साउथ, यानी 66.5 डिग्री साउथ जो होता है ड्रॉन होती है, एंड इट इज़ कॉल्ड एंटार्कटिक सर्कल। उसके बाद आगे चलते हैं हम, लैटिट्यूड लाइंस ऑफ 66.5 डिग्री इज़ रेफर टू एज द आर्कटिक सर्कल, इसको हम आर्कटिक सर्कल कहते हैं, जो कि नॉर्थ पोल में होती है, वाइल दैट ऑफ द 66.5 डिग्री साउथ इज़ नोन एज एंटार्कटिक सर्कल, इसको हम एंटार्कटिक सर्कल का नाम देते हैं। द ग्रेट सर्कल इक्वेटर डिवाइड्स द ग्लोब इनटू टू इक्वल हाफ्स। ग्रेट सर्कल क्या है कि हमारी अर्थ को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करता है। द 90 डिग्री नॉर्थ इज़ कॉल्ड नॉर्थ पोल, 90 डिग्री नॉर्थ क्या कहती है कहलाता है नॉर्थ पोल, 90 डिग्री साउथ इज़ कॉल्ड साउथ पोल। इट शुड बी नोटेड दैट द लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड एंड दोज ऑफ लॉन्गिट्यूड्स आर ओनली इमेजनरी लाइन्स, ये सिर्फ एक ख्याली लाइन्स होती हैं, ये एक्चुअल में ज़मीन पर ड्रॉ नहीं होती हैं, एंड नॉट एक्चुअली ड्रॉन ऑन आवर अर्थ, ठीक है, ये हमारी अर्थ पे एक्चुअली ड्रॉन नहीं होती। दे आर यूज टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ पर्टिकुलर प्लेस ऑन द अर्थ, और ये किस लिए यूज होती हैं, ताकि हमारी अर्थ पे पर्टिकुलर यानी किसी खास मुकाम को, प्लेस को ढूंढने के लिए यूज़ कर सकें, यानी किसी भी कंट्री की लोकेशन को फाइंड करने के लिए, किसी स्टेट की लोकेशन को फाइंड करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा घर है, हमारे घर का एक स्पेसिफिक एड्रेस होता है, हाउस नंबर होता है, उसका स्ट्रीट नंबर होता है, वो एक ख़ास जगह पे होता है, ठीक है, उसका मोहल्ला होता है। तो इसी तरह जब हमने किसी भी कंट्री को जो है लोकेट करना है, चाहे वो ग्लोब है, हमारे पास मैप है, तो फिर हम उसको लोकेट करते हैं कि वो इतनी डिग्री लॉन्गिट्यूड है, इतनी डिग्री लैटिट्यूड है। लॉन्गिट्यूड में होगा तो नॉर्थ टू साउथ उसको रिप्रेजेंट करेंगे, लैटिट्यूड में होगा तो ईस्ट टू वेस्ट उसको हम करेंगे, ठीक है। इसी तरह हम जैसे पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान इज़ लोकेटेड बिटवीन 23.5 डिग्री टू 36.5 डिग्री नॉर्थ, ठीक है, ये हमारे पास है, एंड बिटवीन 61, ठीक है, ये हमारे पास जो आ रहा है इसमें, एंड 61 टू 75 डिग्री ईस्ट हमारे पास जो है पाकिस्तान लोकेटेड है। उसके बाद हम बात करते हैं, द लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स आर यूज्ड टू डिटरमाइन द लोकल टाइम ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस, और ये लोकल टाइम को भी लोकेट करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम इज़ टेकन फॉर तहसील शिकरगढ़ से लेते हैं डिस्ट्रिक्ट नारोवाल, बिकॉज इट इज़ सिचुएटेड नियर 75 डिग्री ईस्ट लैंगिट्यूड पर ये वाक़ है, तो यहाँ से है। और ये मैंने आपको बताया भी है कि किस तरह से हम स्टैंडर्ड टाइम को लेंगे पाकिस्तान के, ठीक है, और ये यहाँ से जो है इसको लिया जाता है। आगे हम चलते हैं होमवर्क टास्क की तरफ। होमवर्क टास्क में आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ मैनी डिग्रीज ऑफ लॉन्गिट्यूड्स आर देयर टू द ईस्ट ऑफ प्राइम मेरिडियन, ठीक है, कि कितनी डिग्रीज लॉन्गिट्यूड्स हैं ईस्ट ऑफ प्राइम मेरिडियन, आपने वो बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपने डिफाइन करना है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को, और क्वेश्चन नंबर 5 में व्हाट इज द इक्वेटर, आपने इसकी डेफिनेशन देनी है।